तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है। देखिए सजीव का लक्षण जो आपका लिविंग थिंग्स कहलाएंगे, कौन कहलाएगा? लिविंग थिंग्स, है ना। तो सजीव का कई लक्षण है, उसमें से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। पहला है स्थानांतरण। स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। श्वसन को कहते हैं हम लोग रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण और अगला ऑप्शन है आपका इनमें सब। इसमें देखिए स्थानांतरण आपका सभी जीव का लक्षण नहीं है, स्थानांतरण सभी जीव का लक्षण नहीं है। और जहाँ पर श्वसन की अगर बात आ जाए तो श्वसन सभी करते हैं। श्वसन आप प्लांट को भी देख लीजिए, प्लांट भी श्वसन करता है, पेड़ पौधे भी श्वसन कर रहा है, और एनिमल को भी क्या करता है, श्वसन करता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इनमें सभी भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्वसन होगा, जो सजीव का मुख्य लक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जो सजीव का सारे गुण है, जो भी सजीव का कैरेक्टर्स है, जो भी उसका फीचर्स है, कौन कौन से फीचर आपका सजीव, सजीव का जो गुण है वह गुण कहाँ पर विद्यमान रहेगा, किस भाग में उसको देना है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सबको पता है कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका के बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है उसी का नाम क्या है, कोशिका झिल्ली नाम है इसका। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली नाम है। तो कोशिका झिल्ली ये तो ओवर कवरिंग पार्ट हो गया। दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये प्लांट का सबसे ऊपरी भाग है, प्लांट के ओवर कवरिंग लेयर है। उसके बाद है जीव द्रव्य। तो भाई ये जीव द्रव्य जो है, ये जीव द्रव्य ही क्या करेगा, सारे गुण को विद्यमान करेगा, जिसमें रहेगा आपका डीएनए रहता है, आरएनए रहता है ना। जो डीएनए आरएनए क्या होते हैं, जो भी जीव होता है उन सबका कैरेक्टर को ये ट्रांसमिट करता है। और ये ऑप्शन तो कदापि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होने वाला है दो का सी ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है चार नंबर में, सॉरी यहाँ पर तीन नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर वैकेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ये जिसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी किसको कहेंगे, जो अपना भोजन क्या करता बेटा, स्वयं तैयार करता है, स्वयं तैयार करता है, उसे क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक या फिर स्वपोषी कहा जाएगा। तो बैक्टीरिया, जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये परजीवी होते हैं, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वहाँ से अपना भोजन तैयार करता है। फंजाई, फंजाई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि फंजाई भी क्या होता है, परजीवी होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी जीव, जो भी जीव है, जीव तो परजीवी होता है ना, जीव क्या होते हैं, परपोषी होता है। जो भी जीव होता है वह क्या होता है, परपोषी के अंतर्गत रखा जाता है इसको। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपका क्या चीज, सभी हरे पौधे। तो आपका ऑप्शन ये सही होने वाला है, सभी हरे पौधे। जो भी ग्रीन प्लांट होगा वे सभी ग्रीन प्लांट क्या कहलाएगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर में कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो ऊपरी परत क्या है, तो यहाँ पर देखिए डेंटाइन। डेंटाइन आपका जो दांत का संरचना, जो आप पढ़े हुए होंगे ऐसे करके दांत का संरचना होता है, ऐसे दांत का संरचना होता है, ये रफ डायग्राम है, डोंट माइंड इट, है ना। ये दांत का संरचना होता है, इसमें ये वेन सब लगे रहते हैं। तो ये जो डेंटाइन है ना, इसमें जो भी पल्प कैविटी, जो भी वेन होता है या फिर आर्टरीज होता है,
वो सभी इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको डेंडाइन कहा जाता है, मजाक हुआ ये भी नहीं होगा, ये अस्थि मज्जा की बात कर रहा है, और यहाँ पर अस्थि तो कदापि नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, तो क्या होने वाला, इनामेल। इनामेल को कहा जाता है ये दांत का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, इनामेल। याद रखिएगा कि इनामेल जो है दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है और सबसे हार्ड पार्ट होता है। उसके बाद आइए लार ग्रंथि में। लार जो सलीवा होता है, इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव है, मतलब किसके द्वारा ये सेक्रेट होता है, उसके द्वारा ये मतलब सेक्रेट होता है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद है यकृत, उसके बाद है जठर ग्रंथि, उसके बाद है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि नहीं होगा आपका, जठर ग्रंथि नहीं होगा, ये आमाशय में पाया जाता है। आंत ग्रंथि ये डाइजेशन से रिलेटेड है, और यकृत जिसको हम लोग लीवर कहते हैं इससे भी नहीं होगा। तो लार जो होता है ना पैरोटिड ग्रंथि का भाग होता है। पैरोटिड ग्रंथि क्या है, तो लार ग्रंथि का तीन पार्ट होता है ना, जो आगे क्वेश्चन में सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर है ना, ये ग्रंथि आपको बताया जाएगा लार ग्रंथि में। तो लार ग्रंथि में हम लोग पढ़ेंगे इसको कुंदन, फोन से करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लार ग्रंथि पढ़ेंगे, तो लार ग्रंथि में तीन ग्रंथि पाया जाएगा, सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। तो ध्यान दीजिएगा उसके टैप से भी पूछा जाता है, जो तीन टैप होता है तीनों टैप से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग नहीं है, तो कौन छोटी आंत का भाग नहीं है भाई, तो डियोडेनम ऑप्शन पहला, दूसरा कोलोन है, तीसरा जेजुनम है और इलियम है। तो यहाँ पर देखिए कौन भाग नहीं है, डियोडेनम, डियोडेनम आपका आमाशय से निकलता रहता है, कोलोन ये आपका बड़ी आंत का भाग है, जेजुनम ये आपका छोटी आंत का भाग है, इलियम ये भी आपका छोटी आंत का भाग है, तो आंसर आपका हो जाएगा कोलोन। कोलोन को बड़ी आंत में बताया जाता है कि कोलोन के तीन टाइप्स होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा अगले वीडियोस में। यहाँ पर है इनमें कौन अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग किसको कहा जाएगा, जो वेस्ट अंग होता है, जिसका यूज हमारे शरीर में नहीं है, वो कौन सा अंग है, तो पहला दिया गया ऊपरी गामी कोलोन, अधोगामी कोलोन, अपेंडिक्स और अनुप्रस्थ कोलोन। तो भाई यहाँ पर देख लो आप लोग, जो भी कोलोन है ये आप देख रहे हैं ना कोलोन, ये कोलोन आपका बड़ी आंत का भाग होगा, चाहे आपका ऊपरी गामी कहा जाए इसको असेंडिंग कोलोन कहा जाता है, अधोगामी कोलोन है ना इसको डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है, अनुप्रस्थ कोलोन इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है। तो यहाँ पर अवशेषी अंग तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका अवशेषी अंग कौन हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स के बारे में जानिए, अपेंडिक्स जो है जहाँ पर छोटी आंत है ना और बड़ी आंत, जैसे यहाँ पर ऐसे करके हम लोग डायग्राम जाने है ना, इस सबको हम हटा देते हैं, देखिए ये ऐसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा कि दैट इज रफ डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ये आ गया, यहाँ पर छोटी आंत इसमें रहता है, यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, क्या कहते हैं बेटा, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, अवशेषी अंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है, तो छोटी आंत के बाद जो है भोजन का क्या नाम पड़ता है, क्या कहलाता है, उसका नाम करना है। यहाँ पर काहे में देखिए, काहे ये भोजन का वह भाग है जो हम लोग मुंह में अंत ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला है सकस इंडिकस, सकस इंडिकस ये एक प्रकार का रस होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। आगे है मल, मल को हम लोग फेसिस करते कहते हैं, जो हम लोग अपने शरीर से सॉलिड वेस्ट को बाहर करते हैं वो हो गया मल। आगे है चाइल्ड, तो भाई ये जो चाइल्ड होगा ना, इस चाइल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन के पूर्ण पाचन के बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है, चाइल्ड पड़ता है, जो अवशिष्ट है ये क्या है,
अवशिष्ट है ये, है ना, तो अवशिष्ट भाग आपको क्या कहलाएगा, चयन कहलाएगा। तो 9 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि है। तो देखिए लार ग्रंथि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लार ग्रंथि स्लेपिंग ग्लैंड जो आपको कहाँ पाया जाएगा बेटा, मुख गुहा में पाया जाएगा। तो मुख अग्न्याशय, अग्न्याशय को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज, क्या कहते हैं बाबू, पैनक्रियाज कहते हैं। अब पैनक्रियाज आपको कहाँ रहता है, जहाँ पर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, पैनक्रियाज कहते हैं। और ये पैनक्रियाज आपका इसमें पाया जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये और ये और ये तीनों जो है आपको क्या करता है, ग्रंथि है। इसमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों लार ग्रंथि हो जाएंगे। आपका बी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने लार ग्रंथि नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये सस्पिशन देने वाले क्वेश्चन है आपका, है ना। तो यहाँ पर अगर पूछ गया कि लार ग्रंथि नहीं है तो वहां पर आप अग्न्याशय को क्लिक कीजिएगा। अगर पूछ गया लार ग्रंथि नहीं है तो किसको क्लिक करना बेटा, अग्न्याशय को टिक लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि लार ग्रंथि है तो लार ग्रंथि तीनों होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होता है और सबलिंगुअल ग्रंथि होता है। ये तीनों के तीनों टाइप होते हैं लार ग्रंथि का। और कहीं पर लार ग्रंथि से सवाल आया था आपका, कहाँ है ये 6 नंबर में देखिए, इसमें किस कहता है लार, लार इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव है, तो लार किससे स्त्रावित तो होगा, ये तो लार ग्रंथि का प्रकार है, तो तीनों से हो जाएगा। पैरोटिड से भी यहाँ पर अगर पैरोटिड भी दिया है तो ये भी सही होगा, अगर मैंडिबुलर दिया रहेगा तो पर भी सही होगा, अगर सबलिंगुअल दिया रहेगा उससे भी होगा। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम ले सकता है, पूछ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पैरोटिड ग्रंथि होता है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होता है और सबलिंगुअल ग्रंथि होता है, ये हमारे मुख गुहा में ही पाया जाता है, जो लार ग्रंथि का प्रकार होता है, ठीक है। और अगला वीडियोज आपके ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से करेंगे, और आपका मैट्रिक एग्जाम तक ये सारे जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बीबीआर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अब लगे रहिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है।